शानदार जी मंच पर उपस्थित, देशराज मंच पर उपस्थित, सोनी जी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के प्रधान आदरणीय गुलाब सिंह जी, महाराज सिंह धनगर जी, प्रमोद कुमार जिला पंचायत अध्यक्ष, श्रीमती मीना राजपूत जी, डॉक्टर विजय आर्या जी, श्री कमल सिंह दिवाकर जी, हल्के सविता जी, चंद्रभान मौर्य जी, ओमकार सिंह मिश्रा जी, मनोजा जी, मुनव्वर अली जी, आरएलडी के सभी पदाधिकारी, महान दल के सभी पदाधिकारी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी, जो इस चुनाव की रैली में आए हुए सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग मजदूर भाई, किसान, नौजवान, माताएं बहनें और पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। साइकिल नहीं चल पा रही,
जब से ये आए हैं इन्होंने सरकारी हवाई जहाज भेज दिए और जहां हवाई जहाज खड़े होते थे वो हवाई अड्डे भेज दिए। आप पता कर लेना, रेलगाड़ियां बेच रहे हैं और रेलवे स्टेशन के आसपास की जितनी भी रेलवे की जमीन है वो बेच रहे हैं। करते रहे आप, क्या आपको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा?
समाजवादी सरकार बनेगी तो गर्मी निकालने वालों से कह के जा रहे हैं फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके नौजवानों को नौकरी देने का। न केवल फौज में और पुलिस में नौकरी बल्कि 11 लाख पद खाली हैं जो अभी तक भरे नहीं गए हैं, उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। पुरानी पेंशन बहाल होगी जो हमारे अधिकारी कर्मचारी कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो, वो पुरानी पेंशन भी बहाल करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर बहुत महंगाई बढ़ गई है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि मोटरसाइकिल वालों को 1 लीटर हर महीने फ्री पेट्रोल दिया जाएगा और वही ऑटो वालों को 3 लीटर डीजल और 6 किलो CNG दे करके उनकी भी मदद करने का काम करेंगे। हमारे जो गरीब किसान हैं जिन्हें सरकार ये खाद नहीं दे पाई, DAP नहीं दे पाई, उनको 2 बोरी DAP और 5 बोरी यूरिया को देने का इंतजाम होगा। आवारा पशुओं से परेशान अगर हमें कोई गौशाला बनानी पड़ेगी, सुधार करके गौशाला बनाएंगे, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का जो प्रिय जानवर है बताओ वो जान ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अभी ठीक कहा जयंत चौधरी जी ने कि इसी जिले में एक परिवार के पिता उत पुत्र को बताओ सांड ने जान ले ली। ये सांड से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, ये बताओ सांड तक नहीं पकड़ पा रहे हैं तो बताओ नौजवानों को लैपटॉप टैबलेट और कंप्यूटर कब दे पाएंगे। अपनी गरीब माताएं बहनें जो हैं इनको पेंशन देने का काम होगा। पहले तो 500 रुपए हम लोग पेंशन दे रहे थे, इस बार 1,500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए पेंशन देने का काम करेंगे। बहनें हमारी जो पढ़ाई में आगे जाएंगी उनको 36,000 रुपया महीना देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी इन तमाम वादों को पूरा करेगी और गठबंधन का साथ लेकर के सरकार बनाएगी। आपसे हम निवेदन के लिए रफ्तार बढ़ा देना, बताओ बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, और अगर बढ़ाओगे तो उत्तर प्रदेश को खुशहाली की तरफ ले जाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हमें अगर फिरोजाबाद के कांच के कारोबार के लिए एक्सपोर्ट के लिए स्टैंडर्ड्स और डिजाइन और कोई ऐसा फोरम बनाना पड़ेगा जहां समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एग्जीबिशनों को देख सके, तो उन एग्जीबिशनों को बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे? ये मान ले टूंडला वालों ने जिता दिया राकेश बाबू को, अरे इससे अच्छा समीकरण क्या होगा, इससे अच्छा समर्थन क्या होगा जहां महान दल साथ है, RLD साथ है, जस्टिस पार्टी साथ है और साइकिल वाले साथ हैं। इधर सुना है बहुत अनाज दे रही है ये सरकार, लेकिन जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते होंगे ये पहले राशन नवंबर तक था, जैसे ही चुनाव आ गया इन्होंने मार्च तक कर दिया और मार्च के बाद के लिए इन्होंने दिल्ली के बजट में पैसा नहीं रखा है। इसलिए हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो ये राशन तब तक मिलता रहेगा जब तक समाजवादी सरकार रहेगी, और न केवल राशन हमें फ्री सरसों का तेल और घी भी देना पड़ेगा तो हम अपने गरीबों को उपलब्ध कराने का